वेलकम टू हमारे एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराम। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल हेल्थ मिशन में जो सीएचओ की वैकेंसी दी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें पूरी तरीके से जो पीडीएफ में दिया गया है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उनको कौन कौन सी बातें जाननी चाहिए इस पूरी वैकेंसी, मतलब ये जो संविदा पे निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीएचओ की, यूपी के सभी जिलों में लगभग 75 जिले, तो लगभग 66 या 67 जिलों में लगभग ये पूरी तरीके से निकली हुई है। तो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, जब तक आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं पीडीएफ में, कौन कौन सी आयोग द्वारा मेंशन किया गया है पीडीएफ में, ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखकर चलना है। डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से लेकर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लिखा गया है पीडीएफ में। ठीक है, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ पढ़ के बताऊंगा, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है कि कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो आर क्लेमिंग रिजर्वेशन देयर रिस्पेक्टिव ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस मोस्ट अप्रूव्ड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सबमिट अंडर स्कीम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैविंग डोमिसाइल अनदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहा गया इस लाइन में कि जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं लोगों के लिए ये बात है। अगर वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें रिजर्वेशन चाहिए तो उन्हें प्रेस्क्राइब फॉर्म मतलब इसी पीडीएफ पे दिया गया है, नीचे डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि उस पूरे प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपको वो पूरा फॉर्म भर कर पूरा वो कास्ट सर्टिफिकेट, उसी जितनी बातें लिखी गई हैं वो बातें आपके कास्ट सर्टिफिकेट में रहनी चाहिए, उसी प्रेस्क्राइब फॉर्म में बनवा कर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ला के दिखाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि जितने लोग उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल, उन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें सीधे जनरल में काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड रिन्यूएबल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी क्लेम अब्जॉर्प्शन इन रेगुलर पोजीशन शैल नॉट बी एंटरटेन इन द फ्यूचर। मतलब कहा गया कि ये जो पूरी वैकेंसी है सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, पूरी तरीके से संविदा पे है। ठीक है, इसका जो रिन्यूअल होगा वही तो आपकी, अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आप एक साल आराम से काम करोगे, एक साल आप काम करोगे और दोबारा नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यूअल भी होगा आपको, मतलब आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। मतलब ये है कि ये पूरा आपकी जॉब चलती रहेगी, अगले साल भी आपका रिन्यूअल होगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, पूरी तरीके से लिख दिया गया कि आपके वर्किंग हैबिट पे आपका पूरा डिपेंड करेगा, मतलब आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तभी आपके वर्क सेटिस्फेक्शन पे आपके होगा। अगर आपने बढ़िया काम किया तो आपका आगे चल के रिन्यूअल होगा वरना आपका रिन्यूअल नहीं होगा। ठीक है, और ये भी कह रखा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसाइड किया जाएगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा मेंशन कर दिया गया है। जो अप्रूवल मिलेगी आपकी वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगी कि आप आगे के लिए रिन्यूअल आपको रखा जाएगा काम पे कि नहीं रखा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट बाई स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब यूपी सरकार द्वारा ये नहीं डिसाइड किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो थर्ड लाइन कहने लिए कि इफ एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी हैज फर्निश्ड इन करेक्ट, मतलब इसमें सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, उल्टा सीधा सर्टिफिकेट बनवा के कहीं से भी पैसा वैसा लगा के जाली सर्टिफिकेट देते हो, अगर वो करके अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कैंडिडेशन, मतलब पूरी तरीके से आपको कंपटीशन से बाहर ही कर दिया जाएगा, कभी आप फॉर्म डालने लायक नहीं रह जाओगे, ये भी पूरा मेंशन है। ठीक है, फिर इसमें दे रहा है इनकम्प्लीट डिटेल। ठीक है, अप्लीकेशन और अप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ एंड अलग सिग्नेचर सबमिटिंग सर्विस है, मतलब आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, पूरा ये प्रोसेस करना है वरना आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन मार्क एक्सट्राइड इन अप्लीकेशन, जितने भी अप्लीकेशन फॉर्म में आपसे मांगा गया इन्फॉर्मेशन वो सब आपको प्रोवाइड करना है, नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करने पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही बाहर कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ,
नो टीएडीए विल बी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन टीवीपी। कोई भी आपको आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, तो आप अपने खर्चे पे आओगे जाओगे, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। रिजल्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मेरिट आफ्टर सक्सेसफुल कम्पलीटिंग डीवीपी। नो फर्दर डॉक्यूमेंट शैल बी एडमिटेड एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट अपलोड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन क्लिक। मतलब आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो आपके मेरिट बेस पे होगा। मतलब मैंने कहा ना बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में आपने अगर जितना आपको मार्क्स मिला होगा प्रैक्टिकल और थ्योरी में, उसी पूरे मार्क्स के आधार पे आपका पूरा मेरिट बनेगा, ठीक है। ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेरिट बेस पर है। मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आओगे, जितने पहले तो आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद कुछ कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाएगा जिन लोगों का फॉर्म मतलब सही होगा। और मैंने कहा ना आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी पोस्ट नर्सिंग में आपने जितने फाइनल ईयर में मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल में आपके नंबर लाए उसी बेस पर आपका मेरिट तैयार होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ से जितने सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनकी मतलब उनको पूरे तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट बेस पर पूरा होगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम इस वैकेंसी के लिए नहीं है। मतलब आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है, ना ही कोई इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है, सीधे मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, अगला जो कहा जा रहा है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, ठीक है, विल बी बेस्ड मेरिट परफॉर्मेंस लोकेशन फाइल बाई सर्टिफिकेट। मतलब कोई कैंडिडेट मान लीजिए लखनऊ का है, अगर वो बरेली से भरना चाहता है तो बरेली से भर सकता है। कोई कैंडिडेट लखनऊ का है गोरखपुर से भरना चाहता है भर सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप जिस जिले के हो वहीं से आपको भरना पड़ेगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं। आप किसी भी जिले में अगर जॉब करना चाहते हो आप भर सकते हो, ठीक है। और आपको पोस्टिंग भी उसी के थ्रू मिलेगी। मतलब आप जहाँ से आपने अप्लाई किया अगर आप सक्सेसफुल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हो सिलेक्टेड होते हो तो उसी जिले में आपको पूरी तरीके से आपको क्या मिलेगा पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है, ये भी बात कही गई है। अगला जो इसमें कहा गया है कि एनएचएम यूपी रिजर्व राइट टू कैंसल। मतलब एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन किसी भी समय वैकेंसी को घटा बढ़ा सकती है। ये पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिखा रहता है जितने भी जारी होते हैं, ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदल भी सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरा कहा गया है, ठीक है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यू परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% अबव कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड मेंशन एंड एडवर्टाइजमेंट द रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्विस मैन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। मतलब रिजर्वेशन किसको मिलेगा एससी एसटी ओबीसी एनसीएल को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिलेगा, पीडब्ल्यू मतलब दिव्यांग कैंडिडेट को मिलेगा, फीमेल को मिलेगा और जितने भी फ्रीडम फाइटर है इन सभी लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है, ये कही गई है। और इन सबके साथ साथ इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि ऑल द रिलीवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी, ठीक है, शुड बी सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए 1/4/2022 या लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन। मतलब आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से पहले का ही होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हो एनसीएल में आते हो नॉन क्रिमिनल में तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात है जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें भी आपको रिजर्वेशन 10% अगर मिल रहा है तो उसे आप लेने के लिए आप जरूर कास्ट सर्टिफिकेट अपना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का ही होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी रिजर्वेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हु डू नॉट हैव परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, जिनके पास परमानेंट रेसिडेंट मतलब निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, तो निवास ये आपका कोई यहाँ पे लिखा गया है पूरी तरीके से 1/4/2022 से पहले का भी निवास भी होना चाहिए, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसको आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, ये भी कहा गया है। फिर देखिए यहाँ पे अगली लाइन जो कही गई है 18 नंबर पे द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हु डू नॉट परमानेंट रेसिडेंट उत्तर प्रदेश शैल नॉट बी रिजर्व। जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जो हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड ये लोग भर रहे हैं इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, इन्हें जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ये भी बात कही गई है इसमें। फिर यहाँ पे जो कहा गया है सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट पोजीशन इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ जेन्युइननेस द कैंडिडेट इज वेरीफाइड इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट सर्टिफिकेट सेक्टर परमानेंट फाउंड अपॉइंटमेंट विल बी लेवल कंसर्न वे बी टेकन कैंडिडेट। मतलब सिलेक्शन सभी कैंडिडेट का जो लोग सेलेक्टेड किए जाएंगे अपॉइंट किए जाएंगे वो पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा बेस पे जॉब है, आपको संविदा बेस पे रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें टेम्परेरी और फैब्रिकेशन सिलेक्शन पर्सन कोई भी इसमें गलत तरीके से इनकरेक्ट मतलब कोई भी आपको अलग मतलब फेक जानकारियां नहीं देनी है और ये संविदा बेस पे है, ठीक है।
फिर यहाँ पे कहा गया है नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर शैल बी एंटरटेन अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल। कोई भी मतलब एक बार जहाँ पे आप पोस्टेड हो गए उसके बाद आपका ट्रांसफर नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आप जिस जिले से अप्लाई कर रहे हो उस जिले अगर आप करना चाहते हो इच्छुक हो तभी आप अप्लाई कीजिएगा उस जिले से, मतलब एक बार आपको सिलेक्शन होने के बाद पोस्टेड होने के बाद आपको कोई भी ट्रांसफर करने के लिए जो आप अप्लीकेशन लिखोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ट्रांसफर कर मतलब ट्रांसफर आपको मिलेगा ही नहीं, उसी जिले में आपको एक साल पूरी जॉब करनी है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन कही गई है, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिसको आप फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, जरूर आप इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म अगर भरने जा रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। मेरे हिसाब से इतनी जानकारियाँ जितनी दी गई है मैंने आपको पढ़कर बताया, कुछ तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। #